लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन के कारण एपीएमसी खाद्यान्न मंडी में दलहन के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अनाज मंडी व्यापारियों के अनुसार बीते 3 दिनों में दाल की दरों में 10 से 15 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है इसका लाभ जहां आम नागरिकों को मिलने वाला है, वहीं किसानों को इससे नुकसान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की एपीएमसी अनाज मंडी में दाल की कीमतों में 10 से 15 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। अनाज बाजार में पहले ही दाल की जावक कम है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी और होटलों के बंद होने के कारण दलहन का बाजार नरम है। हफ्ते भर पहले 100 रुपए किलो बिकने वाली दाल की कीमत अब 10 रुपए कम हो गई है। फिलहाल टूर दाल 95 रुपए से 85 रुपए, मूंग दाल 90 रुपए से 80 रुपए पर, चना दाल 60 रुपए से 50 पर, जबकि उड़द की दाल 95 रुपए से 85 रुपए पर आ गई है। व्यापारियों का मानना है कि इसका लाभ जहां आम ग्राहकों को मिलने वाला है, वहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तूर दाल मजे जे 99 से 100 रुपये होती, सद्या 88 से 90 रुपया है। मुगाची दाल 95 रुपये होती, तो सद्या 75 से 78 रुपया है। चना दाल जे वाड़ून 63-64 जालेली, ते आज 57 से 58 रुपया है। आणि त्याच्यामध्ये पण गिराक नाही। चना जे 54-55 होता, ते आज 48 से 50 रुपया झालेला आहे। टोटली दाळ कमी झालेली आहे। सध्यामध्ये मसूर दाळ आहे 77 रुपया, ते 75 झालेली आहे। तुम्हाला बोला ए टू झेड आयटममध्ये सगळ्याचमध्ये स्टॉक लिमिटच्यामुळे दर कमी झालेला आहे। इथे कोण पण गिराक नाही, होलसेल मार्केटमध्ये अजिबात गिराक नाही। 2 तारखेला गव्हर्नमेंटने डिसिजन काढला आहे स्टॉक लिमिटचा, त्यामुळे कुणीही स्टॉक करीत नाही आणि माल घेत नाही, आणि मिलवाळ्याकडे पण डिमांड नाही आणि ते म्हणून ते शेतकऱ्याकडून पण तो माल घेत नाही। दाल की किंमत, अरहर दाल पहले 90 से 100 रुपये, नई किंमत 85 से 90। मटर दाल 95 से 80, नई कीमत 50 से 60 रुपये। चना दाल पहले 60 रुपए, अब 50 रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।